आज हम देखेंगे दोस्तों कि क्या हम अपने घर में कैपेसिटर लगा के बिजली के बिल को कम कर सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें, तथा हम देखेंगे कि कैपेसिटर लगा के हम बिजली बिल को कैसे कम करते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो हमारे घर होता है, घर में हमारा अगर हमारा जो हाउस होता है उसमें हम बिल आता कहाँ है, उसके लिए हमें देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है जिसे एनर्जी मीटर बोलते हैं, मतलब एनर्जी मीटर बोलते हैं। एनर्जी मीटर के द्वारा हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करता है, यही मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करता है। या कैलकुलेशन एनर्जी मीटर जो है जो कैलकुलेशन यूनिट में करता है, यूनिट के अनुसार ही हमारे घर के बिजली का बिल आता है। सबसे पहले हम देखते थे दोस्तों ये यूनिट निकलता कैसे है। जैसे हम जानते हैं अगर हमारे पास एक यूनिट आया है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट, एक KWh, मतलब 1 किलोवाट पर आवर। इसका मतलब होता है दोस्तों अगर हमारे पास 1000 वाट है, 1000 वाट 1 घंटे के लिए चलता है तो वह एक यूनिट होता है। अगर हमारे पास अगर यही दोस्तों अगर हमारे पास अगर 500 वाट है अगर 2 घंटे के लिए चल गया तब भी यह 1 यूनिट होता है। मतलब यहाँ कितने वाट का लोड है यह डिपेंड कर, लोड का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे घरों में तो फैन लगा होता है या कूलर लगा होता है या लाइट लगी होती है, कितने कितने वाट की होती है उसी के कैलकुलेशन करके हम वाट निकालते हैं। चलिए देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का देखें दोस्तों के बिल को देखें तो इसका होता है यूनिट हमारे कितनी है, मतलब कितने यूनिट निकला इंटू रेट, मतलब कितने रेट से हमारा बिजली के बिल गवर्नमेंट द्वारा रहता है उसी के अनुसार हमारा बिजली के बिल आता है। अब बात करें दोस्तों हम क्या कैपेसिटर के द्वारा बिजली के बिल को हम कम कर सकते हैं या नहीं, मतलब कैपेसिटर लगा के हम क्या बिजली के बिल को कम कर सकते हैं या नहीं। मान ली इसके लिए हम सबसे पहले हमारे दोस्तों हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझे दोस्तों। इसका होता है कि दोस्तों अगर हमारे पास हमारे लिए एक क्वेश्चन है तो हमारे घर के मान सकते हैं, बाहर का मान सकते हैं। हमारे पास अगर 220 वोल्ट आ रहा है तथा उसमें अगर करंट अपने पूरे घर के करंट देखें तो 15 एम्पीयर की करंट है, तथा एक पावर फैक्टर मतलब cos5 पावर फैक्टर 0.7 है। अगर इसमें पावर निकालने की बात दोस्तों तो पावर निकालने का हमारे पास फार्मूला V×I×cos5, मतलब cos5 एक पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब वोल्टेज और करेंट का डिफरेंस होता है। इसलिए अगर पावर फैक्टर के बारे में देखना है तो आप चैनल में जाके हमारे पूरे पावर फैक्टर में डिटेल वीडियो उसको देख सकते हैं। पावर फैक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच डिफरेंस होता है। अगर हम देखें दोस्तों अगर पावर फैक्टर अच्छा रहेगा तो हम करंट और वोल्टेज मतलब सेम फेज में चलेंगे तो हमारा एफिशिएंसी अच्छा होगा। अगर पावर बात करें दोस्तों यह सिंगल फेज में होता है, अगर थ्री फेज में निकालना होता है तो हम पावर के 3 फेज के फार्मूला तो V√3 VI cos5। मगर दोस्तों हमारे घर में देखें तो यह सिंगल फेज की सप्लाई है, सिंगल फेज की सप्लाई में अगर हम इसको पावर निकालें दोस्तों कितना हमारा पावर कंज्यूम होता है, इसके लिए हम देखें तो दोस्तों वी मतलब 220 करंट की बात करें तो 15 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर 0.7। अगर इसको कैलकुलेट करें दोस्तों तो इसमें आता है 2310 वाट होता है। 2310 वाट मतलब दोस्तों 2.310 किलोवाट में आ गया, किलोवाट में आ गया। तो अगर यूनिट में निकालें दोस्तों 2.3 यूनिट मतलब पर आवर हमारे 2.3 यूनिट का कंजम्पशन होगा। अगर सेम दोस्तों अगर कैपेसिटर हमारा अगर हम सबसे पहले इसमें कैपेसिटर अगर हम ऐड कर देंगे, कैपेसिटर हमें लगाने पे दोस्तों अगर पावर फैक्टर मान लीजिए हमारा इम्प्रूव हुआ, पावर फैक्टर हमारा अगर मान लीजिए दोस्तों कैपेसिटर लगाने के बाद हो गया उसका पावर फैक्टर 0.9 हो गया, 0.9 तो हो गया लेकिन कैपेसिटर लगाने में अगर ये बढ़ता है तो हमारे पास अगर कैपेसिटर बढ़ा तो इसके बाद हमें करंट का डाउन हो जाता है। करंट का डाउन कैसे होता है इसे हम देख सकते हैं। अगर इसी फार्मूला में हम देखें करंट अगर निकालें तो P/N अगर इसको देखें तो इसको नीचे ला देंगे V×I/V cos5। पावर कितना है 2310 मतलब 2310 वोल्टेज कितना था 220 × cos5। cos5 मान 0.9 रखने पे, 0.9 रखने इस पर हल करें 2310/198 मतलब अगर इसमें सॉल्व करें तो दोस्तों इसमें 11.666 एम्पीयर की करंट आते हैं। मतलब देखें दोस्तों अगर पावर फैक्टर बढ़ा है तो लेकिन करंट हमारा डाउन हो गया, करंट हमारा पहले 15 एम्पीयर थे, 15 एम्पीयर से दोस्तों यह 11.66 एम्पीयर हो गई।
अब देखते हैं दोस्तों, अगर इसमें हम इफेक्ट क्या आता है, अगर हम करंट कम हो गया तो हमारा कितना यूनिट खर्च होगा। इसमें हम देखें तो अगर दो फार्मूला अगर यहीं पे फिर से लगाएं दोस्तों, अगर फार्मूला लगाएं दोस्तों पी बराबर वी आई कॉस फाई, कॉस फाई अगर कॉस फार्मूला में अगर हम सेट करें दोस्तों, तो इसमें होगा वोल्टेज कितना 220 वोल्ट, करंट आया हमारा पर 11.666 वोल्ट, तो कब पावर फैक्टर 0.9। इसको सॉल्व करने में दोस्तों 2310 ही आता है, मतलब हम देख सकते हैं दोस्तों कि 2310 मतलब 2.3 यूनिट। मगर इसमें देख सकते हैं दोस्तों अगर पावर फैक्टर ज़्यादा भी है तब भी हमारा उतने ही यूनिट, सेम यूनिट उतना ही आता है, मतलब कम पावर फैक्टर में भी उतने ही यूनिट आता है तथा ज़्यादा पावर फैक्टर में भी उतने ही यूनिट आता है। इस तरह देखते हैं कैपेसिटर लगाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन हमें दोस्तों पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाने के फ़ायदे देखें दोस्तों, तो कैपेसिटर लगाने के फायदे हमारे ये होते हैं, अगर होम मतलब नॉर्मल हाउस में देखें तो उसमें होता है कि हमारे जो लाइफ की कोई भी इक्विपमेंट लगे, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे तो उसकी एवरेज लाइफ मतलब जो एज लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है तथा वो सॉफ्ट काफ़ी सॉफ्ट चलने लगती है, मतलब सॉफ्ट चल रखती है, एज बढ़ जाती है तो एज बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम नहीं आते हैं। लेकिन यही अगर दोस्तों इंडस्ट्री में बात करें, इंडस्ट्रियों में होता है कि अगर हमारे पास पावर फैक्टर, हमारे पास पावर फैक्टर जो होता है अगर वो कम रहता है तो हमारे पेनल्टी लगता है, मतलब पेनल्टी लगाया जाता है उसके लिए। इसलिए इंडस्ट्रियों में देखा जाता है कि काफ़ी समय पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ता है जिससे हमारे कम से कम पेनल्टी लगे तो गवर्नमेंट के द्वारा पेनल्टी से बचा जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियों में पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तथा थ्री फेज में तो ज़्यादातर इंडस्ट्री में थ्री फेज होता है, इसलिए पावर फैक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे वहाँ के अगर इंडस्ट्री में मोटर वगैरह लगे रहते हैं जिससे उसको काफ़ी अच्छी इफिशियंट तरीके से चले। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमारे होम में कैपेसिटर लगाने पर इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पे एज इक्विपमेंट में काफ़ी सॉफ्टनेस आती है तथा उसकी एज में काफ़ी बढ़ जाता है तथा इंडस्ट्री में हमें पेनल्टी से बचने के लिए कैपेसिटर एनर्जी से मतलब कैपेसिटर को लगाया जाता है जिससे हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट रहे तथा पेनल्टी ना लगे। इस तरह देख सकते हो, ऐसे देखने के लिए वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।